भाजयुमो कड़वा जिलाध्यक्ष रितेश चौबे की अध्यक्षता में हेमंत सरकार का पुतला फूका गया। पुतला दहन के पूर्व रंग का मोड़ पर हेमंत सरकार की शव यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं एवं युवाओं ने झामुमो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, छात्रों का रोजगार छीनने वाली सरकार वापस जाओ, युवा विरोधी सरकार वापस जाओ, युवाओं को ठगने वाली सरकार वापस जाओ, हेमंत सरकार हाय हाय जैसे अनेकों नारे लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि हेमंत सरकार गलत नियोजन नीति बनाकर युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर दी है। गढ़वा सहित पूरे झारखंड में युवा त्राही त्राही कर रहे हैं। झामुमो सरकार ने युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया है। युवाओं में इसका काफी आक्रोश है। जिस तरह से गलत नियोजन नीति बनाकर पूरे झारखंड के युवाओं को धोखा देने का काम किया है, आने वाले समय में लाखों युवाओं का भविष्य चौपट हो गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने विभिन्न विभागों में लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम किया था, लेकिन वर्तमान की झामुमो सरकार ने युवाओं को झूठा सपना दिखाकर उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने युवाओं के साथ ही हर लोगों के साथ धोखा किया है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष रितेश चौबे ने कहा कि झामुमो सरकार युवाओं को हर साल 5 लाख रोजगार देने का वादा की थी, लेकिन गलत नियोजन नीति बनाकर ठगने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए लाखों युवा तैयारी कर रहे थे, जिनका नौकरी करने का उम्र समाप्त होते जा रहा है। दूसरा नियोजन नीति बनाने में छात्रों की उम्र खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आखिर छात्रों का क्या दोष है, हेमंत सरकार ने युवाओं के भविष्य को मजाक बना दिया है। हेमंत सरकार के गलत नियोजन नीति की वजह से जो विज्ञापन निकाला गया था वो भी रद्द हो गया है। छात्र एवं युवाओं को रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में बैठे मंत्री विधायक भी इस कांड के लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। हेमंत सरकार के गलत नीतियों के चलते छात्रों का भविष्य सड़क पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला मंत्री ठाकुर प्रसाद महतो, जिला मीडिया प्रभारी विवेकानंद तिवारी, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अरुण तिवारी, अविनाश पासवान, जिला महामंत्री विकास तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मीकांत पांडे, उदय कुशवाहा, प्रिंस तिवारी सहित कई अन्य भाजपा एवं भाजयुमो के कार्यकर्ता सहित कई अन्य छात्र एवं युवा मौजूद थे। छात्रों ने रामगढ़ में भी प्रदर्शन किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदर्शन तो करेंगे ही, छात्र प्रदर्शन करेंगे, युवा बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य में रहने वाले सभी युवाएं दुखी हैं, सभी छात्र दुखी हैं इस राज्य के व्यवस्था से। यह राज्य सरकार ने बालू, गिट्टी, छरी, कोयला बेचने में लगी हुई है। दिन रात भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ा है, दिन रात पैसा उगाही में लगे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के राज्य के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी लोग पैसा उगाही में लगे हुए हैं। गढ़वा की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ भी रात दिन घटनाएं घटते जा रही है। कहीं कहीं आपको हत्या सुनने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लगातार कई घटनाएं ऐसा हुआ है, कई जगह ये आपको हत्या भी हुआ है। यहाँ पे राज्य के अंतर्गत गढ़वा जिला में अभी कई बलात्कार आपको देखने के लिए सुनने के लिए मिला होगा। राज्य में अभी जो घटना घटी है कि एक पहाड़िया आदिवासी महिलाएं को टुकड़े टुकड़ा कर दिया गया। आप सोच सकते हैं क्या आपको राज्य में क्या शासन आप कर रहे हैं। आपको जा करके राज्यपाल के यहाँ निश्चित रूप से आपको त्याग पत्र देना चाहिए, आपसे यह राज संभलने वाला नहीं है। आपका कहना है अभी सरकार अपने कार्यों में पूरा विफल है? बिल्कुल विफल है सरकार। जब से ही हेमंत जी का सरकार बनी है, आप नजर उठा करके देख ले पूरे राज्य में कि आप अभी तक 5,500 प्लस ये हमारे राज्य के आदिवासी बहने माताएं बहने बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, कई यहाँ पे हत्याएं हुई है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है।
यहाँ पे दिन रात बालू छरी गिट्टी कोयला बेचने में लगे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार अपने जेब भरने में लगी है, यहाँ के राज के युवाओं के देखने के लिए कोई नहीं है। यहाँ के हेमंत जी के सरकार में यहाँ के स्थानीय मंत्री को भी हम बोलना चाहते हैं या पुतला दहन के माध्यम से उनको संज्ञान में देना चाहते हैं कि आप गढ़वा जिला के अंतर्गत में कि आप क्या कर रहे हैं। गढ़वा में जो विकास कार्य आप दिखाना चाहते हैं, घंटा घर आप बना करके विकास दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो आप गायिका के बुला करके डांसर के बुला करके विकास दिखाना चाहते हैं, यही विकास है क्या? विकास यही है क्या? आप युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, आप प्रत्येक वर्ष युवा को 5 लाख नौकरी देने की बात की कहे थे, आप बेरोजगारी भत्ता देने की बात की कहे थे, आप पारा टीचर को अस्थायी करने की बात कहे थे, आप ये आपको आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का अनुबंध कर्मी के बारे में आप चिंता किए क्या? यहाँ के बेरोजगार के बारे में चिंता किए क्या? आप दिन रात बालू बेचने में लगे हुए हैं, ये आपको भ्रष्टाचार यहाँ पर टेंडर मैनेज में लगे हुए हैं, यही विकास है क्या? विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। गढ़वा शहर का विश्वसनीय रेडीमेड कपड़ों एवं साड़ी का प्रतिष्ठान राजघराना, राजघराना लेकर आया है त्योहारों में ब्रांडेड कपड़ों का विशाल संग्रह। केलर, मुफ्ती, स्पाइकर, पेपे जींस, क्रीम सन्स क्लब, मानेवर जैसे ब्रांडेड कपड़ों के साथ किड्स एवं लेडीज के कपड़ों का नया कलेक्शन। हमारा पता है रंका मोड़, घंटा घर के पास मेन रोड, गढ़वा।